हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंडशिप डे है, आप सभी लोग को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर, आप सभी को। तो आज इसी मौके पर निकले हैं, और चूँकि गाँव के दोस्तों से तो नहीं मुलाकात हो पाया, जो लंगोटिया यार हैं उनकी याद बहुत कई दिनों से आ रही थी, जा भी नहीं पाए हैं मुलाकात करने। और सब अपने आप में दोस्तों इतना बिजी हो गया, हर कोई अपने अपने काम धाम में इतना बिजी हो गया कि अब पहले जैसा समय नहीं दे पाते हैं, हम लोग नहीं मिल पाते हैं। कभी जाने पे कोई मिलता है तो कोई ड्यूटी रहता है, कोई मिलता है तो कोई ड्यूटी रहता है, कोई अपने काम में बिजी, कोई अपने काम में बिजी, तो सबको एक साथ में नहीं मिल पाया है। बहुत अरसे हो गए हैं, लंबा समय हो गया है कि सब लोग एक साथ मिलें और फिर पहले जैसे एक दिन बिजी लिया जाए। हाँ ही मौज मस्ती नहीं हो पा रहा है, और फिलहाल शादी वादी सबकी हो गई है तो सब अपने में ही मस्त हैं, व्यस्त हैं, चाहे जो ही कहिए लोग, सब कोई अपनी जिम्मेदारियों के साथ चल रहा है। तो अच्छा है, तो आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे एक दोस्त है, तो बुलाया आज कि आओ और चला जाए, थोड़ा घूमने चला जाए, थोड़ा कहीं घूम फिर लिया जाए और देखा जाए क्या क्या हो रहा है शहर में। थोड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह भी करना है तो हो जाए, और जूडियो में जो है ऑफर चल रहा है तो आओ कुछ जूडियो में सामान वगैरह खरीद लिया जाए। तो मैं निकला हूँ, वहीं जा रहा हूँ, फिर चलिए लोग दिखाते हैं, मिलते हैं उससे और दिखाते हैं। मेरे ब्लॉगिंग में है भी उसका, पहले से उसका भी यूट्यूब चैनल है। ये है नेपाली दोस्त हमारा जो अभी हमारे शहर में पड़ा हुआ था, तो ये बुलाया है आज, कहा कि आए आओ चला जाए घूमने। जो हाथ मेरे है आदिवासी हेयर ऑयल है, देख रहे हैं टकला हुआ होगा ये इसको सर पे एक बाल नहीं, आदिवासी तेल लगा रहा है। अब इसका रिव्यू मिलेगा आपको, बताएंगे इसके एक महीने बाद, देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। वैसे तो मेरा बाल थोड़ा बहुत ही निकल रहा था तो हम सोचे थोड़ा सा करा लें। अरे मेरा भी बढ़िया रहेगा, तो मेरा भी हल्का खाली हुआ है, लगाएंगे क्या है। तो आए हैं लोग, और ये हुआ कि आज फ्रेंडशिप डे पे हम ही लोग दोनों लोग घूम लें और थोड़ा देख लें क्या क्या चीजें कैसी हैं। हेलो, तो चलिए लोग आप लोग दिखाते हैं, और हमारे फ्रेंड्स जो लंगोटिया यार गांव के देखेंगे उन सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्तों मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, कई दिनों से मुलाकात नहीं कर पाया, मैं गाँव आता हूँ तो सबसे पहले देखा जाए जरा उसकी असली पहचान। छोटी पहचान यहाँ पे अंदर इसमें जड़ी बूटी है, उसमें जड़ी बूटी है। और क्या है प्रिंट पे? प्रिंट पे इनका फोटो है, ये दोनों का। चलो लगा के देखो क्या होता है। गाइस फाइनली आ गए हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं तारामंडल भगत चौराहे से जो देवरिया बाईपास है यहाँ पे जो जीडीओ है, इस जगह पे हम लोग आए हैं और दिखाते हैं क्या ही है। काफी खाली खाली लग रहा है बाहर से, यहाँ तो रास्ता बन रहा है, इतनी पूरा कबाड़ करके रखे हैं लोग तारामंडल का। ये है नजारा, ये है जूडियो नेक्सा के बगल में। लेडीज अपार्टमेंट कंपार्टमेंट, बहुत भीड़ है भाई। तो ये सच है कि काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, ये जो जीन्स हैं इनके प्राइस जो हैं 99 है, बट 499 में भी सोल्ड हो रहे हैं, ये बेचे जा रहे हैं 499 यानी कि 500 में, जो 1000 के जीन्स थे। बट जो है प्रॉब्लम क्या है कि सारे जीन्स 36, 38, 36, 38, 34, 36, 38 यही साइज़ के सारे जीन्स बचे हुए हैं, मतलब कि स्लिम बॉडी के लिए कोई जींस नहीं है यहाँ पे बचा हुआ, सब बिक चुका है जितने भी हैं। 38, 34, 36, 38, 34, 36, 38, 36, 36, 36, 36, 36, 36। में सोच लोवर। तो अभी लिया मैंने, अपने लिए नहीं लिया कुछ भी, मेरे साइज का कुछ मिला ही नहीं ऑनलाइन। तो दोस्तों ये मैंने लिया, ये
पता नहीं क्या है, एक जींस है और एक ये है अपनी बीवी के लिए, मेरे लायक तो कुछ मिला ही नहीं है। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग मार्केट करके वहां से निकले हैं और आज का दिन ऐसा रहा फ्रेंडशिप डे पे, मेरा एक और दोस्त आ गया है अमृत जायसवाल जो कि महाराजगंज से आया है। आप लोग देखे होंगे मैं गाड़ी जब परचेस किया था तो उस समय मेरे साथ था एजेंसी में। तो अभी हम लोग तीन लोग मिल गए हैं और भी दो दोस्त थे वो छोड़ दिए हम लोग, वो लोग गए लोग, तो ये भी आया भाई। अब इसके साथ में हम लोग नौका विहार थोड़ा सा घूमेंगे, तो अभी नौका विहार में ही खड़े हैं और क्या मौसम बना हुआ है देख रहे लोग, कितना शानदार लग रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं ताल के पास से थोड़ा घूम लिया जाए फिर। तो दोस्तों ये इसका शक्ल देखे कैसा लग रहा है, कांचा चीना जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये अग्निपथ का संजय दत्त वाला कांचा ना। चलो भाई अब इसकी गाड़ी से घूम के आते हैं। तो भाई क्या क्या हुआ आज फ्रेंडशिप डे पे, क्या क्या किए लोग? फ्रेंडशिप डे में जुड़ियो गए हैं। हेलो सावन चल रहा है वरना कहीं चला जाता है कुछ? नहीं सावन में हम कुछ नहीं खाते हैं, हम भी नहीं कुछ आ जाएं सावन क्या आप कुछ नहीं 15-20 मिनट बाद आए नौका विहार गेट पे है ना टाइम नौका विहार गेट पे क्या कर रहे हैं चला है भाभी भी आई है कहा आधा घंटा। तो कहते हैं दोस्तों इसे कहते हैं इत्तेफाक, आज का इत्तेफाक ऐसा रहा कि आज का दिन फ्रेंडशिप डे और मिल गए सब दोस्त घूमने के लिए गोरखपुर में भी। तो समय मिला होता तो गए होते, समय तो है ही है लेकिन गांव जाएंगे अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो फिर गांव जाएंगे रक्षाबंधन पे, तब सारे दोस्तों से मुलाकात होगी और घूमने कहीं निकला जाएगा। नज़ारा देखिए लो नौका विहार, देखिए गाइस कितना भीड़ है नौका विहार में, यहाँ अभी 1 किलोमीटर पहले से इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं आज फ्रेंडशिप डे है ना, सारे दोस्त लोग आए होंगे यहीं पे। हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि ये गाड़ियां पहले आ नहीं रहा करती थी, नौका विहार का जो गेट है घूमने जाते हैं वो भीड़ वहाँ होती थी, वहाँ पे लगता था इतनी ज्यादा भीड़, एंट्री गेट पे ही भीड़ स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे कार और दुकानें भी, हाँ दुकानें भी यहाँ पे लगी हुई, यहाँ यहीं से स्टार्ट हो गई हैं और इतना ज्यादा दुकान लगा हुआ है। अच्छा सब फ्रेंड ही आए होंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं है गर्लफ्रेंड वगैरह ले गर्लफ्रेंड से बड़ा फ्रेंड कौन, लवर लेके आए होंगे सब भाई अभी लोग बेलने खड़े हैं बस भाई बेलने में दो लोग तो शादी शुदा ही है यहाँ पे तुम एक बेलने हो बहुत ज्यादा भीड़ है नौका विहार में, तो हम लोग वहाँ तक गए नहीं हैं, रास्ते में ही रुक गए हैं लोग, थोड़ा फोटोज वगैरह शूट किया गया और अब निकलेंगे यहाँ से चलते हैं। ओके बाय बाय जाओ अब हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं रामगढ़ ताल और ये है रामगढ़ ताल, अभी शाम के समय का नज़ारा है 7 बजे के टाइम का यहाँ का और खूब शानदार हवा चल रहा है, देखिए इसका जुल्फे भी लहरा रहा है कितना शानदार हवा में और यहाँ मज़े कर रहे हैं हम लोग। फाइनली रात हो गए हैं, रात के बज रहे हैं 7:30-8 बज रहा है और अब हम लोग आ गए हैं मेडिकल कॉलेज वाले रोड पे जो जुड़ी हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखा जाता है क्या क्या यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे भी बहुत अमृत जा रहा है। ये देखिए भाई लोग जूडियो का कमाल, ये लग रहा सबको पता चला है, कैसे सबको पता है भाई हमको नहीं पता कि जूडियो पे ऑफर चल रहा है, टाटा जी ने पूरा वो कर दिया। ये भीड़ लगा हुआ है, गाड़ी हम लोग को 500 मीटर पहले ही खड़ा करके आना पड़ा। ये देखिए आप लोग जूडियो का हाल, फाइनली बहुत भीड़ है जूडियो में, पूरा शहर ही उमर पड़ा है जूडियो में, इतना धक्का मुक्की होने लगा और बस ये इसने लिया एक अपने लिए जींस लिया और शर्ट लिया और मैं तो अपनी वाइफ के लिए लिया बस, और यहाँ कुछ समझ में नहीं आया सब उठा ले गए हैं, सब जो है ओवर साइज है या फिर पसंद नहीं आ रहा है, तो
अभी हम लोग निकलते हैं घर, अब फाइनल हो चुका है कंप्लीट और अब हम लोग जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।